सभी छात्रों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है गणित दर्पण चैनल पर। हम शुरुआत करने जा रहे हैं प्रश्न वाली 1.1 की, और इसके अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन से दे रखा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है और क्या इसे आप पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां पी और क्यू पूर्णांक और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो है। मैंने आपको परिमेय संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या सभी परिभाषाएँ एक साथ आपको बताई हुई है, और उससे संबंधित वीडियो आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, और वीडियो के अंत में भी आपको इसका लिंक है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको इन सभी परिमेय संख्याओं और सभी संख्याओं के बारे में वो जानकारी होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है या नहीं, तो इसका उत्तर है यस, शून्य एक परिमेय संख्या है, और इसको किस ढंग से पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। देखिए यहाँ लिखना आंसर इसका कि हाँ शून्य एक परिमेय संख्या, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है, इसे जिसे पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। अब देखिए ये जो शून्य है उसको पी बटा क्यू के रूप में किस ढंग से लिख सकते हैं, लिखना पड़ेगा जहां पी बराबर तो होगा जीरो तथा क्यू बराबर वन टू थ्री डैश 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 कोई भी हो सकता है, यानी पी का मान जीरो होना चाहिए और क्यू का मान आप वन टू थ्री अनंत तक कोई भी संख्या ले सकते हैं, तो हम इसे शून्य को पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। जैसे देखिए एक मैं पी का मान और क्यू का मान लिखता हूँ, देखिए पी बराबर कितना है, जैसे जीरो ले लिया फिक्स है, और क्यू का मान जैसे हम लेते हैं वन, जीरो के अंदर वन का भाग देंगे तो क्या आएगा जीरो, यानी जीरो को हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए एक क्या है ये परिमेय संख्या है। तो इसका उत्तर है वो इस ढंग से आपको देना है।